पांच राज्यों के चुनाव में बीजेपी को तीन राज्यों में मिले भारी बहुमत से उत्साहित हरियाणा में भी भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी है। बात करें रादौर की तो यहां सीपीओ श्याम सिंह राणा के निवास पर कार्यकर्ताओं ने ढोल की थाप पर नाचकर अपनी खुशी का इजहार किया। इस अवसर पर राणा ने कहा कि ये राष्ट्रवाद की जीत है। उन्होंने कहा कि जनता ने इन चुनाव नतीजों से दलित और परिवारवाद की राजनीति करने वालों को पूरी तरह से नकार दिया है। पंजाब चुनाव में पार्टी की हार पर उन्होंने इसका कारण एंटीकम्बेंसी बताया। इस बहुमत पर उन्होंने कहा कि यह बहुमत 2019 चुनाव की आधारशिला का काम करेगी। एंटीकम्बेंसी जाने से जो नेगेटिव वोट हुई है उसका असर रहा, लेकिन फिर भी अकाली दल जो है हमारा गठबंधन के है वो एक हमारी जो है पार्टी पंजाब की जो पार्टी है वो पंथ से निकली हुई पार्टी है। वो पार्टी तो अच्छी है लेकिन शासन करने वाले लोगों में जहाँ कड़ी परिवारवाद की बात आ जाती है वो लोग उसको निगलेक्ट कर देते हैं। आने वाले चुनाव में देश के चुनाव को देख के पूर्ण तौर से तो 2019 का चुनाव की आधारशिला बनी है चुनाव, उसमें पूरा असर रहेगा और लोगों ने मन बना लिया राष्ट्र के लिए विकास के लिए वोट डालेंगे और मोदी जी को इस देश के अंदर राष्ट्रीय नेता नहीं अंतर्राष्ट्रीय नेता स्वीकार किया है। रादौर से जाट टीवी न्यूज के लिए कुलदीप सैनी की रिपोर्ट।